दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको सभी DTH का जो LNB का सेटिंग होता है, जो इसका स्क्रू एंगल होता है, उसे आपको सेट करना बताऊंगा और साथ साथ DD फ्रीड से सभी DTH का जो दिशा है आपको दोस्तों बताऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी DTH का जो सिग्नल है सेट करने में आसानी हो। अगर आप एक नए DTH TV मैकेनिक हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यह जो डिश एंटीना है, ये जो छतरी है, फिलहाल अभी DD फ्रीड्स पर सेट है। अगर आप DD फ्रीड्स का जो सिग्नल है सेट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इसका जो स्क्रू एंगल है, इसका जो LNB का पोजीशन है, तो आपको दोस्तों इसके पॉइंट को देखना है जहां आप इस वायर को DTH वायर को लगाते हैं। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा रखना है, जिससे कि आपको DD फ्रीड्स का फुल सिग्नल रिसीव होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से एकदम वर्टिकल कर देते हैं, इससे कि आपको कमज़ोर सिग्नल देखने को मिलता है। कुछ चैनल चलते हैं और कुछ चैनल पर नो सिग्नल देखने को मिलता है। तो आपको फुल सिग्नल के लिए, DD फ्रीड्स के लिए, सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से इसे हल्का सा मामूली सा तिरछा रखना है। अगर आप वीडियोकॉन DTH को सेट करते हैं, या फिर आप सन डायरेक्ट को सेट करते हैं, या फिर दोस्तों आप डिश TV को सेट करते हैं, तो उन सभी का इसका जो स्क्रू एंगल है, जो पोजीशन है, आपको सेम रखना है। DD फ्रीड्स, सन डायरेक्ट, वीडियोकॉन D2H और डिश TV, इसके लिए आपको इसका जो स्क्रू एंगल है, इसका जो पोजीशन है जहाँ कि आप वायर लगाते हैं, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा तिरछा ही रखना है। अब दोस्तों बात करूँ टाटा स्काई की। अगर आप टाटा स्काई का सिग्नल सेट करते हैं तो उसके लिए आपको इसे एकदम वर्टिकल इस प्रकार से रखना है। अगर आप थोड़ा भी दाएं बाएं से कर देंगे तो आपको टाटा स्काई का जो सिग्नल है रिसीव नहीं होगा। तो टाटा स्काई के लिए आपको इसे एकदम इस प्रकार से वर्टिकल में ही रखना है, याद रखिएगा। आपको DD फ्रीड्स, डिश TV, सन डायरेक्ट और वीडियोकॉन DTH के लिए इसका पोजीशन इस प्रकार से रखना है। अब दोस्तों मैं बात करूं एयरटेल के लिए, तो एयरटेल के लिए आपको इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करना होगा इस प्रकार से, तभी आपको एयरटेल का जो सिग्नल है रिसीव होगा। अब दोस्तों मैं बात करूं कि DD फ्रीड्स से आप किस प्रकार से मालूम करेंगे कि वीडियोकॉन का सिग्नल, डिश TV का सिग्नल, सन DTH का सिग्नल, एयरटेल का सिग्नल, टाटा का एक सिग्नल आपको कहाँ मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल यह जो छतरी है अभी DD फ्रीड्स पर सेट है। अब दोस्तों मैं आपको DD फ्रीड्स से सभी DTH का जो दिशा है उसे बताऊंगा। अभी यह जो डिश है फिलहाल DD फ्रीड्स पर सेट है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे ढीला कर लेता हूँ। अगर आपको DD फ्रीड्स से वीडियोकॉन DTH का सिग्नल मिलाना है तो आपको इस LNB का जो पोजीशन है सेम आपको जैसे कि DD फ्रीड्स का होता है आपको इस प्रकार से रख लेना है। अब दोस्तों वीडियोकॉन का सिग्नल मिलाने के लिए आपको डिश एंटीना को थोड़ा सा ऊपर करना है इस प्रकार से, और आपको मामूली सा आपको राइट साइड हल्का सा आपको इस प्रकार से घुमाना है। आपका जो वीडियोकॉन DTH का सिग्नल है आपको बड़ी आसानी से रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप टाटा स्काई का सिग्नल सेट करना चाहते हैं तो आपको अपने डिश एंटीना को थोड़ा सा और उठाना है, एकदम मामूली सा इस प्रकार से, और हल्का सा आपको राइट साइड फिर से थोड़ा सा इसे इतना आपको घुमा देना है, आपको टाटा स्काई का सिग्नल रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों बात करूँ सन डायरेक्ट और डिश TV का। जैसे कि मान लीजिए आपका जो डिश है DD फ्रीड्स पर सेट है, अगर आपको सन DTH का सिग्नल सेट करना है तो आपको सन DTH के लिए अपने डिश को एकदम मामूली सा इस प्रकार से राइट साइड आपको हल्का सा आपको इसे मूव करना है। अगर दोस्तों आप सन DTH का सिग्नल रिसीव करना चाहते हैं तो आपका जो DD फ्रीड्स का सिग्नल है वह भी आपका रिसीव होगा, और साथ साथ आपका जो सन DTH का सिग्नल वह भी आपका रिसीव हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप डिश TV का सिग्नल मिलाना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने DD फ्रीड्स सन DTH के लिए हल्का सा आपने राइट साइड
इस प्रकार से आपने इसे मूव किया डिश टीवी के लिए, आपको डीडी फ्री डिश से इसे हल्का सा डिश को थोड़ा सा मामूली सा डाउन करके, मामूली सा दोस्तों एकदम डाउन करके, और इसे आपको लेफ़्ट साइड थोड़ा सा इसे घुमाना है, आपको डिश टीवी का सिग्नल रिसीव हो जाएगा। जब भी दोस्तों आप टाटा स्काई का सिग्नल सेट करते हैं, इसको याद रखिएगा, टाटा स्काई के लिए आपको इसे एकदम नीचे वर्टिकल कर लेना है, तभी आपको टाटा स्काई का सिग्नल रिसीव होगा। अब दोस्तों बात करूँ एयरटेल के लिए, तो आपको सबसे पहले इसे इस प्रकार से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लेना है, और अब दोस्तों आपको अपने डिश को इस प्रकार से थोड़ा डाउन कर लेना है, और आपको इस प्रकार से लेफ़्ट साइड इतना करीब आपको घुमाना है, आपको एयरटेल का जो सिग्नल है रिसीव हो जाएगा। ये दोस्तों एयरटेल का सिग्नल है, यह है आपका डीडी फ्री डिश का सिग्नल है, और डीडी फ्री डिश से मामूली सा लेफ्ट में डिश टीवी, डीडी फ्री डिश से हल्का सा राइट सन टीवी। अब दोस्तों हल्का सा आप थोड़ा सा डिश को ऊपर करके हल्का सा राइट लेंगे वीडियोकॉन डी टू एच, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके और राइट साइड लेंगे तो दोस्तों यह आपका टाटा स्काई। आप इस प्रकार से किसी भी डीटीएच का जो इशू एंगल है आप सेट करके आप दोस्तों सिग्नल सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं आने वाली वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डीटीएच का जो रिपेयरिंग है करना बताऊंगा, और साथ साथ दोस्तों आपको सभी डीटीएच का जो सिग्नल है सेट करने का तरीका बताऊंगा, और आपको सिग्नल को सेट करके भी दिखाऊंगा।